कमेंट करो कि आप नेक्स्ट कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपकी कमेंट को हाईलाइट करेंगे। सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बिलो। थैंक यू। पेशेंस ऑलवेज विंस, धैर्य की हमेशा जीत होती है। हेयर वॉज मेकिंग फन ऑफ द टर्टल्स वन डे फॉर बीइंग सो स्लो। एक दिन खरगोश को छुए का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वह इतना धीमा था। डू यू एवर गेट एनी वेयर, ही आस्क्ड विथ अ मॉकिंग लाफ। क्या आप कभी कहीं पहुंचते हैं, उसने मजाक के हंसी के साथ पूछा। यस, रिप्लाइड द टर्टल्स, एंड आई गेट देयर सूनर देन यू थिंक। आई रन यू अ रेस एंड प्रूव इट। हाँ, कछुए ने उत्तर दिया, और मैं आपकी सोच से भी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं आपके लिए एक दौड़ दौड़ाऊंगा और इसे साबित करूंगा। एट द आइडिया ऑफ रनिंग अ रेस विद अ टर्टल्स, बट फॉर द फन ऑफ द थिंग ही एग्रीड। सो द फॉक्स हु हैड कंसेंटेड टू एक्ट एज अ जज मार्क्ड द डिस्टेंस एंड स्टार्टेड द रनर्स ऑफ। कछुए के साथ दौड़ लगाने के विचार से खरगोश को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मनोरंजन के लिए वह इस बात पर सहमत हो गया। इसलिए लोमड़ी, जिसने जज के रूप में कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, उसने दूरी को चिन्हित किया और धाव को रवाना किया। द हेयर वॉज सून फेयर आउट ऑफ साइट, एंड टू मेक द टर्टल्स फील वेरी डीपली हाउ रिडिक्युलस इट वॉज फॉर हिम टू ट्राई अ रेस विद अ हेयर, ही ले डाउन बिसाइड द कोर्स टू टेक अ नैप अंटिल द टर्टल्स शुड कैच अप। खरगोश जल्द ही नजरों से दूर हो गया और कछुए को यह गहराई से महसूस कराने के लिए कि खरगोश के साथ दौड़ की कोशिश करना उसके लिए कितना हास्यास्पद था, वह कोर्स के किनारे झपकी लेने के लिए लेट गया जब तक कि कछुआ उसे पकड़ न ले। द टर्टल्स मीनवाइल केप्ट गोइंग स्लोली बट स्टीडीली, एंड आफ्टर अ टाइम पास्ड द प्लेस वेयर द हेयर वॉज स्लीपिंग। इस बीच कछुआ धीरे से लेकिन लगातार चलता रहा और कुछ देर बाद उस जगह से गुजरा जहाँ खरगोश सो रहा था। बट द हेयर स्लेप्ट ऑन वेरी पीसफुली, एंड व्हेन एट लास्ट ही डिड वेक अप द टर्टल वाज नियर द गोल। द हेयर नाउ रन हिज स्विफ्टेस्ट, बट ही कुड नॉट ओवरटेक द टर्टल इन टाइम। लेकिन खरगोश बहुत शांति से सोया और जब आखिरकार वह जागा तो कछुआ लक्ष्य के पास था। अब खरगोश सबसे तेज दौड़ा, लेकिन वह समय के रहते कछुए से आगे नहीं निकल सका। मोरल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर तरीके से दौड़ जीत सकते हैं।